ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे अलग अलग दर यानी रेट के वेट की एक साथ एंट्री करना। अभी हमने सेम वेट रेट वाली चीज़ों की परचेज और सेल्स वाउचर में एंट्री करना सीखी, पर अब मान लीजिए आपने 2-3 आइटम्स परचेस किए या सेल किए जिन पर अलग अलग दरों से वेट लगता है। मान लीजिए किसी आइटम पर 13% की दर से वेट लग रहा है, किसी आइटम पे 5% की दर से वेट लग रहा है, और हो सकता है कि कोई आइटम टैक्स फ्री है। ऐसे में इन सभी अलग अलग दर से वेट लगने वाले आइटम्स की एक ही वाउचर में एंट्री कैसे की जाए, अब हम आपको ये बताते हैं। अब इसके लिए हमें पहले अलग अलग दर वाले वेट के खाते बनाने होंगे। जिस तरह से पहले हमने 13% की दर के हिसाब से जो वेट लगता है उसके लिए अलग अलग 4 खाते बनाए थे, उसी प्रकार से अब बाकी जो दूसरी दरें हैं उनके लिए हम खाते बना लेंगे। मान लीजिए हमको 5% की दर से लगने वाले वेट के लिए खाते बनाने हैं, तो इसी तरह से वो खाते बन जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा परचेज एट द रेट 5%, सेल्स एट द रेट 5%, इनपुट वेट एट द रेट 5%, आउटपुट वेट एट द रेट 5% का खाता, और ये भी इन्हीं ग्रुप्स के अंतर्गत बनेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये जो लेजेस हैं ये हमने पहले ही बना लिए हैं। जो लेजेस हमने बना लिए हैं उनको हम देख सकते हैं। देखने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे लेजेस पर। लेजर्स में डिस्प्ले पर जाकर के हम उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से 13% रेट वाले वेट के खाते बने हुए, इसी तरह से आपको 5% रेट वाले वेट के खाते भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं एस्केप की दबाते हुए। अब आइए पहले हम देखते हैं परचेस की एंट्री। मान लीजिए 5 जुलाई को हमने सप्लायर ए से कुछ माल खरीदा। अब इसकी एंट्री के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अब चूंकि हमने माल खरीदा है इसलिए वाउचर हमको चाहिए परचेस का। उसके लिए हम F9 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे 5 जुलाई, और अब यहाँ पर हम डाल देंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये हमने डाल दिया 2। पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा सप्लायर ए। यहाँ पर सप्लायर्स डिटेल आ गई है, ये लेजर में भरी हुई थी तो यहाँ पर आ गई। अब टाइप ऑफ डीलर, यहाँ पर हमको रजिस्टर्ड डीलर लेना है। अब यहाँ पर अगली चीज़ है परचेज लेजर। परचेज लेजर में ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स जो आती है वो उसमें से हम एट अ टाइम एक ही लेजर चुन सकते हैं, या तो परचेज एट द रेट 13% चुन सकते हैं या परचेज एट द रेट 5% चुन सकते हैं, जबकि हमारे जो आइटम्स हैं वो अलग अलग वेट दर वाले हैं, तो हमको यहाँ पर ये ऑप्शन बंद करना होगा पहले। उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर परचेज इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में हमको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ये यस किया हुआ है, इसको हम नो कर देंगे। और अब कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से वो वाला ऑप्शन चला गया। अब एंटर प्रेस करके हम नीचे आएंगे, यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे, और अब हम यहाँ पर जो भी नेम ऑफ आइटम्स हैं वो दे देंगे। पहली चीज़ तो जो हमने ली वो है डॉल्स। हमने मान लीजिए 25 डॉल्स ली 50 रुपये पर पीस के हिसाब से। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर डॉल्स के लिए अकाउंटिंग डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर हमको परचेस का लेजर चुनना होगा जिस भी वेट दर के लिए हमने वो बनाया है। ये 13% वेट दर का परचेस का लेजर हमने पहले बनाया था, इसलिए यहाँ पर अपने आप आ गया है। अदरवाइज लेजर चुनने के लिए स्पेस बार जब हम दबाएंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी, इसमें से फिर हम लेजर चुन सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमारा दूसरा आइटम है CFL बल्ब्स। ये CFL बल्ब्स हमने ले लिए क्वांटिटी में 100, रेट 100 रुपीस पर पीस के हिसाब से ये बल्ब्स हो गए। अब आगे हम बढ़े, यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर CFL बल्ब्स आ गई। पर्टिकुलर्स में हमको पहले लेजर लेना है, स्पेस बार दबाएंगे
तो यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगी। अब हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि 5% वेट CFL बल्ब्स पर है, तो यहाँ पर हमने इसके लिए खाता बना रखा है परचेज एट द रेट 5%, और ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब तीसरा आइटम जो है हमारा वो है वीट, जो कि टैक्स फ्री है। वीट हमने लिया है 1000 kg। यहाँ पर हम रेट दे देंगे 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ये हो गया 12000 का। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर वीट आ गई। पर्टिकुलर्स के लिए हम स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गई। अब यहाँ पर ये 13% वेट वाले आइटम के लिए परचेज का लेजर हमारा बना हुआ है, 5% रेट वाले वेट के आइटम के लिए भी हमारा परचेज लेजर बना है, पर वीट हम मानकर चल रहे हैं कि टैक्स फ्री है, इसके लिए यहाँ पर हमारा लेजर बना हुआ नहीं है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम इसके लिए लेजर बना लेंगे। नेम डाल देंगे परचेज टैक्स फ्री, ये बनेगा परचेज अकाउंट्स के तहत। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर यूज्ड इन वेट रिटर्न्स को हम यस कर देंगे। अब वेट टैक्स क्लास में यहाँ पर हमको चुनना है परचेसेस अदर्स। यूज फॉर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को हम कर देंगे यस। ड्यूटी टैक्स टाइप हो गया वेट बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करके आगे आ जाएंगे। अब हमको यहाँ से जिस भी दर से वेट लग रहा है उसके लिए लेजर चुनना है। तो सबसे पहले तो डॉल्स के लिए हमने माना है 13% की दर, तो इसके लिए ले लेंगे इनपुट वेट एट द रेट 13%। यह अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया है 1250 रुपये पर 13% की दर से वेट लगा 162 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। अब CFL बल्ब के लिए हमको लेजर चुनना है, तो ये हो गया इनपुट वेट 5%। 10000 रुपये पर 5% की दर से वेट कैलकुलेट होकर आया 500 रुपये। अब चूंकि वीट टैक्स फ्री है इसलिए इस पर वेट लगेगा नहीं। ये एंटर प्रेस करके हम आगे आए। अब यहाँ पर शो स्टेट्यूटरी डिटेल्स के लिए हम यस कर देंगे। स्टेट्यूटरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। असेसिबल वैल्यू जो है वो है हमारी 23,250 रुपये, और उस पर जो टोटल अमाउंट वेट का लग रहा है वो है 662 रुपये 50 पैसे। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने परचेस की एंट्री की, इसी तरह से अब हम सेल्स की एंट्री देखते हैं। मान लीजिए 2 अगस्त को हमने कस्टमर बी को कुछ माल बेचा। सेल्स की एंट्री के लिए हमको जाना होगा सेल्स वाउचर में। F8 की हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज कर देंगे, ये हो गई 2 अगस्त। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे रेफरेंस में डिलीवरी चालान नंबर। पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा कस्टमर बी। अब डिस्पेच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ये जो भी डिटेल्स हैं इसको आप भर दें। बायर्स डिटेल्स यहाँ पर डाल दें। टाइप ऑफ डीलर में यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर आएगा, और ये अब हम वापस हमारे सेल्स वाउचर पर आ गए हैं। अब जो जो हमने आइटम्स बेचे हैं वो यहाँ पर उनके नाम देना है। पहला है डॉल्स। डॉल्स हमने बेची हैं 25 पीसेस हमने बेचे 60 रुपीज के हिसाब से। एंटर करके आगे आएंगे हम। अब यहाँ पे अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर डॉल्स आ जाएगी। यहाँ पर ये खाते हमने बना के रखे हैं, ये आ गया सेल्स एट द रेट 13% का लेजर। एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा आइटम है CFL बल्ब। CFL बल्ब हमने ले लिया। मान लीजिए हमने 60 बल्ब्स बेच दिए 120 रुपये पर पीस के हिसाब से, ये हो गया 7200 रुपये का। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर CFL बल्ब्स में पर्टिकुलर्स में यहाँ हम ले लेंगे। स्पेस बार जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगी। इस पे 5% का वेट है, इसके लिए लेजर है सेल्स एट द रेट 5%, ये हमने चुना। एंटर प्रेस करेंगे। तीसरा आइटम जो हमने बेचा वो है वीट। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमने जो बेची है वो है 700 kg, 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ये हो गया 10500 रुपये का। एंटर प्रेस करेंगे, आगे आएंगे। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स के लिए स्पेस बार हम दबाएंगे। यहाँ पर हमने इसके लिए कोई लेजर बना के नहीं रखा है क्योंकि टैक्स फ्री है, तो अब इसके लिए हमको लेजर क्रिएट करना होगा। ऑल्ट सी प्रेस करके हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको नाम देंगे सेल्स टैक्स फ्री।
ये बनेगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत। आगे हम आएंगे यूज्ड इन वेट रिटर्न्स, इसको यस कर देंगे। अब ये वेट टैक्स क्लास में से हमें चुनना है कि ये किसी भी क्लास में नहीं आता है, तो ये आएगा सेल्स अदर्स क्लास में। एंटर प्रेस करेंगे। यूज फॉर असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को हम यस कर देंगे। यस करने पर फिर दो ऑप्शंस आएंगे, अपोर्शन फॉर, यहाँ आ जाएगा वेट, मेथड ऑफ अपोर्शन आ जाएगा बेस्ड ऑन वैल्यू। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। अकाउंटिंग डिटेल्स फॉर वीट में अभी आ गया है सेल्स टैक्स फ्री पर्टिकुलर्स में, अब एंटर प्रेस करके ये वापस हम वाउचर पर आ गए। एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर हमको वेट की एंट्री करना है। अब यहाँ पर हम लेजर चुनेंगे आउटपुट वेट एट द रेट 13%, ये डॉल्स के लिए है। 13% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होकर के अमाउंट आ गया है 195 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। अब CFL बल्ब्स के लिए हमको इसके वेट के लिए चुनना है लेजर आउटपुट वेट एट द रेट 5%। 5% के हिसाब से 7200 के अमाउंट पर जो वेट कैलकुलेट हुआ वो है 360 रुपये। वापस हम एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आगे आएंगे। अब चूंकि वीट टैक्स फ्री है इसलिए इसके लिए यहाँ पर कोई वेट लगेगा नहीं। शो स्टेट्यूटरी डिटेल्स में, अगर आपको स्टेट्यूटरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप इसे यस करें, नहीं तो नो छोड़ दें। आगे बढ़ेंगे, नरेशन यहाँ पर लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। टेली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा अलग अलग दर यानी रेट के वेट की एक साथ एंट्री करना।